बताओ क्या समस्या तुम्हारी? सर फुलका जल गया है और पिंडी पकी हुई है सर। मेरी कुछ समझ में ना आ रहा। अरे जनाब मियां बीवी का घर में खाने को लेके कलेश है और थाने में आ गई है। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम थाने क्यों आ लिए? हो जाता है कभी कभी। अरे हमारे घर में फुलका जल जाता है और हमारे घर में भिंडी पक जाती है जी। फुलका दूसरा बना लो भाई। सर यही तो समस्या है, ये दूसरा फुलका बनाने के चक्कर में है क्योंकि भिंडी पक गई है इससे। अरे लाली भिंडी चूल्हे पे पकती है। सर फुलका जल रहा है नफरत की आग में। अरे लेकिन फुलका तो तवे पे बनता है यार। फुलका बने नहीं है सर, फुलकी ने हमारा बनाया है। और भिंडी पकी नहीं है सर, भिंडी ने फुलका जलाया है। अरे चुप। अरे चश्मुद्दीन खिलजी तू यहाँ खड़े होने की तनख्वाह लेता है के? तो पूछते क्यों ना, पूछ इनसे क्या बात है यार। हाँ भाई दोनों अपने अपने नाम बताओ भाई। जी मेरा नाम फुलका है और फुलका जो है जल गया है। हाँ। मेरा नाम भिंडी है और भिंडी पक गई है। अब यो बताओ कि फुलका क्यों जल गया है और भिंडी क्यों पकी हुई है? सर फुलका भिंडी से प्यार करता था, मैं इसके घर जाना चाहता था दूल्हा बन के, लेकिन इसके परिवार वाले बीच में आ गए चूल्हा बन के और फुलका जल गया है सर। भिंडी भी फुलके से प्यार करती थी सर, पर इसके घर वालों के लालच से थक गई और आखिरकार भिंडी भी पक गई सर। यार 9 दिन चले 2.5 कोस। अरे कुछ समझ में ना आ रहा यार, जहाँ से समस्या शुरू हुई थी वहीं आके खत्म होली। अरे साफ साफ बताने के लिए है कुछ तुम्हारे पास ना है? साफ तो भिंडी के अरमान हो गए है सर। इसके घर वालों ने शादी के लिए दहेज में 5 लाख जो मांगे हैं। जनाब आई समझ के? ये दहेज का मामला है। अरे यार वकील बहुत जल्दी समझ में आ ली है यार तेरे तो। तेरे जैसा होनहार पुलिस वाला हर थाने में, मैं न्यू कहूं कि हर थाने में बिल्कुल ना होना चाहिए। हाँ भाई देखो ऐसा है, हमने अपनी तहकीकात में यो पता लगाया है कि वो दहेज का मामला है। अरे सर एक बार मेरी बात तो सुनिए। दोषी की कभी बात नहीं सुनी जाती है। ए मैडम जी, लेकिन इस थाने में दोषी की ही सुनी जाती है। वो भला क्यों? अपराधियों में खामोशी है क्योंकि अरे बोल रहा हूँ तो बोल ना, क्योंकि थाने का दरोगा दोषी है। इतने प्यार से बोलेगा? ज्यादा प्यार से बोलूंगा शुगर हो जाएगी आपको। हाँ भाई देखो, मेरा नाम है दोषी, इस थाने का मैं दरोगा हूँ। भाई वकील, हमें वकील से मिलना है। वकील जरा मिल लिए इससे, मिल ले। इस थाने का वकील मैं हूँ भाई, बता तेरे शरीर के कौन से अंग से इसे मिलवाया जाए। अरे सर 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 देखिए ऐसा है कि अगर मेरे घर वालों ने पैसे मांगे भी हैं तो इसके घर वालों ने भी तो सरकारी नौकरी वाला दामाद मांगा है। तो इसमें कौन सी गलत बात है भाई, कौन सी गलत बात है? हर माँ बाप चाहता है कि उनकी बेटी अच्छे घर में जाए और लड़का अच्छी नौकरी करता हो। अरे सर हमारा परिवार बहुत अच्छा है, प्राइवेट बिजनेस है। जो मेरे पिताजी ने 5 लाख रुपए मेरी नौकरी के लिए लगाए थे ना, बस वो वापस मांग रहे हैं। सर है तो ये दहेज ही ना। अरे ऐसी कैसे दहेज है भाई साहब, कैसे दहेज है? एक बात बताइए, कल को जब मैं नौकरी करूंगा, मैं पैसे कमाऊंगा तो वो भिंडी को ही तो लाके दूंगा। इन्वेस्टमेंट पे ब्याज भी तो ये भिंडी खाएगी ना। तो भाई सोचने वाली बात यो है कि लड़की के घर वाले चाहते हैं कि लड़का सरकारी नौकरी करता हो। और लड़के वाले चाहते हैं जो लड़के की सरकारी नौकरी में खर्चा हुआ है वो लड़की वाले ने। तो वकील यार फिर यो शादी कहाँ हुई? यो तो व्यापार है जिसमें बस लेन देन है और दूर खो गया कहीं प्यार है। और जनाब बिना प्यार के जीवन बेकार है। भाई देखो भिंडी और फुलका बात ऐसी है, अगर करते हो एक दूसरे से प्यार तो मत करो शादी का व्यापार। तो क्या करे सर? भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ और अपने घर वालों को समझाओ। और अगर फिर भी ना समझे तो फिर इधर आओ। क्या समझे? समझ गए सर, अब भिंडी फुलके के प्यार में ही पकेगी और फुलका भिंडी की छांव में रहेगा, फिर फुलका नहीं जलेगा। तब होगी असली प्यार की जीत। और भाई वकील अब एक काम कर, माहौल बहुत बढ़िया हो गया भाई, अब तू सुना दे प्यार का गीत। तोसीदारों का जमी पे हो रहा। वकील रुक जा यार, रुक जा। वो देखिए